बक्सा भी खाली हुआ है। एंड ये देखिए ऑयल, ऑयल लीकेज हुआ था ना मूवर्स पैकर्स, इतना बुरा पैकिंग किया था, मतलब बकवास पैकिंग था, लीकेज। यहाँ पे मेरा जीन्स वीन्स सब कुछ था। एंड अभी थोड़ा बहुत रूम साफ हुआ है, अभी भी बहुत सारा बाकी है देखिए। एंड यहाँ का ये जो था, ये बिन बैग्स मैंने रखी है, तो थोड़ा बहुत साफ हुआ है। अरे मैं ऐसे नेशनल यूनिफॉर्म में हूँ तो वो सही है, कुछ नहीं होता है, सब घर के ही लोग हैं ना। एंड मेरा दो बच्चा खाके अभी रेस ले रहे हैं। एंड ये कंडीशन है, इतना वुलन्स अभी भी पैक करना बाकी है। एंड और भी वुलन्स का पैकेट है यहाँ पे है, तो हो गया है माइलो लूना का खाना। वेजिटेबल्स का जो मैं बनाती हूँ वो बना के गई है लीला दीदी। एंड यहाँ पे आलू है, एंड ये सब्जी मैं बनाऊंगी अभी। ये एक फिश का एक सब्जी बनाना है, तो सिंपल सा एक सब्जी बना लेती हूँ, उसके बाद आपके साथ बात करती हूँ। जामा षष्ठी वाला फिश अभी भी था, तो उसका आज एक प्रिपरेशन मैं बना लूंगी। ऑलमोस्ट हो गया है, जस्ट सिंपल सा पतला सा एक ग्रेवी वाला माछेर झोल। तो उसके बाद मैं नहा लूंगी एंड लंच करेंगे, क्योंकि आज बहुत लेट हो गई हूँ। तो चलो फिलहाल ये इन सब से निपट लूँ, उसके बाद आपके साथ बात करेंगे। माइलो लूना का चिकन भी बॉयल हो गया है। ये तीनों मामार्ट का प्रोडक्ट मैंने मिंत्रा से मंगवाई है, थोड़ा अच्छा डिस्काउंट मिला था। एंड मेरा बहुत ही हेयर फॉल हो रहा है यहाँ पे आके, एंड मेरा हेयर ग्रोथ तो उतना ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है कलकत्ता आने के बाद। तो इसलिए मैं सोची कि क्यों ना कुछ हेयर के लिए किया जाए। केमिकल ट्रीटमेंट मैं नहीं करवाई, तो मैं मामार्थ में थोड़ा बहुत इन्वेस्ट किया, तो इसका रिव्यू बहुत अच्छा था, इसलिए मैंने अनियन हेयर ऑयल, अनियन शैम्पू एंड अनियन कंडीशनर मंगवाई। तो इसका फीडबैक मैं बाद में दूंगी, मतलब एटलीस्ट 15 डेज यूज़ करने के बाद मुझे पता चलेगा कैसा है कैसा नहीं है। अगर मुझे अच्छा लगता है तो आप लोगों के साथ शेयर करूँ। टाइम होता है इन लोगों को लेके जब मैं बैठी रहती हूँ एंड कोई नहीं रहता है। माइलो निकलने का कोशिश कर रहा है, लेकिन उसको घर में बंद कर दी हूँ। एंड अभी एसी चल रहा है तो सब कुछ बंद है। ये मेरा मी टाइम है, एंड मैं चाहती हूँ इस टाइम में कोई मेरे पास ना आए तो अच्छा है। ये देखो ये लूना है, लूना मेरे साथ ऑलवेज बैठी रहती है, मैं जहाँ पे जाती हूँ वहाँ पे लूना जा रही है। बेटा देखो बाहर, मतलब पापा के पास जाने के लिए ऐसा कर रहा है, लेकिन अभी उसको मैं रोक के रखी हूँ। आज एक्चुअली बहुत कुछ प्लान था, लेकिन कुछ नहीं कर रही हूँ। थोड़ा बहुत पायस बनाने का मन था, खीर, दैट इज़ पनीर खीर। उस दिन जो बनाई थी ना पनीर का जो होता है छानार पायस, तो बहुत सारा दूध पड़ा हुआ है, तो मैं सोची कि क्यों ना ये हेल्दी भी होता है। पनीर उतना रोमित को पसंद नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ कि खीर बनाती हूँ, तो खीर बहुत पसंद करता है। उस दिन बनाई थी, उस दिन भी बहुत मतलब तारीफ हुआ मेरा, सब बहुत अच्छी तरह से खाए, तो मैं सोची कि क्यों ना आज बना लूँ। तो आज मैं सोच रही हूँ कि आज आपके साथ मैं थोड़ा बहुत पनीर खीर का रेसिपी शेयर करूँ। मुझे लगता है सबको पता है, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ, एंड वो बहुत ही टेस्टी होता है, तो क्यों ना आपके साथ शेयर करूँ। Like
सीजन का फर्स्ट लैंगरा आम आज मिला मार्केट में 90 रुपीज करके किलो बता रहे थे। तो रोमित को कैसे पता चल जाता है मालूम नहीं है, वो देख के ही बोले कि ये लैंगरा आम है एंड मुझे खरीदना है, तो खरीद लिया 1 केजी। चना दाल, छोला दाल इसको बंगाली में बोलते हैं, छोला दाल विदाउट अनियन गार्लिक विद चॉप्ड कोकोनट। तो ये बनाई थी एंड सबको कैसे लग रहा है थोड़ा बता दो। एंड रोटी के साथ बहुत अच्छा लगता है। एक्चुअली हम लोग लूची एंड छोला दाल खाते हैं, मतलब पूरी के साथ चने का दाल, लेकिन आज पूरी नहीं बनाई क्योंकि अभी थोड़ा बहुत घी से परहेज हम लोगों को है। तो छोला दाल में थोड़ा बहुत घी पड़ता है, मैं दी हूँ लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। एंड घी वाला रोटी, घी तो चलो थोड़ा चाहिए ना। तो चलो मेरा तो खाना हो गया है, मैं जस्ट एक कटोरी छोले का दाल खा लिया एंड उसके साथ मैं बहुत सारा स्नैकिंग किया चीरे बाजा एंड ऑल, तो इसलिए मैं रात को और कुछ नहीं खाऊंगी। दाल इज़ अ प्रोटीन, तो मैंने दाल एक कटोरी खा ली एंड इसके साथ रोमित एंड मम्मी खा रही है एंड विवान मेरे सिस्टर के जो मतलब मेरा जो नेफ्यू है वो अभी तक आए नहीं टेबल पे, वो आएगा तो वो खा लेगा। यहाँ का मौसम एकदम ख़राब है, कोई बारिश वारिश नहीं हो रही है एंड बहुत पसीना आ रहा है। तो शाम को मैं गई थी थोड़ा बहुत वॉकिंग के लिए, एक हफ्ता बाद मैं वॉकिंग के लिए जा रही हूँ फिर से क्योंकि एक हफ्ते तक मेरा हो नहीं पाया, बहुत सारा काम रहता था, बाहर जाना पड़ता था हॉस्पिटल एंड ऑल, तो हो नहीं पाए एंड बहुत काम करने के बाद मुझे और एनर्जी नहीं रहता है मैं बाहर जाके कुछ करूँ, तो हो नहीं पाया। तो आज थोड़ा बहुत चली वॉक की 15 मिनट तक, शायद 15 या आधा घंटा तक, आधा घंटा ना ओवरऑल आधा घंटा है, हाफ एन आवर किया। तो ऐसे करके हमारा रूटीन चल रहा है जब तक रोमित का ऑपरेशन नहीं हो जाता है, रोमित ठीक तरह से क्योर होके जब तक नहीं आते तो तब तक मेरा सब कुछ ऐसा ही चलेगा एंड मैं और कुछ क्या बताऊँ, एक चीज़ बार बार बताना तो सही नहीं लगता है, फिर भी आपके साथ ही बात करती हूँ इससे इतना सारा बात कर लेती हूँ अभी सबके पास टाइम बहुत कम है एंड सब बहुत बिजी रहते हैं अपने रोज़मर्रे की ज़िंदगी में, तो अलग से फ़ोन करके एंड अलग से व्हाट्सअप करके बात नहीं हो जाता है। साथ मेरे जो दोस्त हैं, मेरा जो कम्युनिटी में सब्सक्राइबर्स है, थोड़ा बहुत जो है उनके साथ बात हो जाती है तो मुझे अच्छा लगता है। तो चलो आज के लिए इतना ही, किसी भी कारण अगर ये व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, भर भर के सब्सक्राइब करो एंड मेरे चैनल को आगे जाने में सपोर्ट करो। थैंक यू सो मच।